बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम टू फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज आपके लिए अपने 11.5 मरले का जो प्रोजेक्ट है उसकी अपडेट लेके आए हैं जी। माशाल्लाह जी काम जो है वो बड़ी तेज़ी से जारी है, बिल्कुल आखिरी मरहल में है। तो इंशाल्लाह जी आज की इस वीडियो में जो है ना हम रागवाल के बारे में आपसे बात करेंगे कि इसका जो मटेरियल है वो कैसे तैयार किया जाता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल की जाती हैं। इससे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो माशाल्लाह जी आप देख रहे हैं रागवाल का काम जो है वो बड़ी तेज़ी से जारी है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में जो है ना हम आपको बताते हैं कि इसका जो मटेरियल है उसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं और इसको कैसे तैयार किया जाता है। तो ये जी सबसे पहले एक ड्रम लिया है, उन्होंने ड्रम में जो है ना वो पानी डाला और उसके बाद जो है ना ये क्रैलक डाली जा रही है। ये क्रैलक जो है ये जो पेंट होता है वेदर शीट वगैरह या कमरों में जो लगाया जाता है उसमें भी जो है ना इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये दूसरी चीज़ है जी, ये भी जो भाई खो रहा है ये है बॉन्ड, तो इसका भी जो है ना तकरीबन काफ़ी मकदार में जो है ना इसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो ये टोटल तकरीबन जो है ना 5 चीज़ें हैं जिनमें 2 का नाम मैंने बता दिया और ये तीसरी जो है ये इमोनियम लैटर, ये चमक के लिए होता है। तो उसके बाद जो है वो पत्थर का ब्रिक दाना होता है वो इसमें डाल के जो है ना इसको मिक्स कर देते हैं। तो इसके अलावा एक और चीज़ है जी अभी जो इसमें डाली जाएगी वो भी अभी आपको बताते हैं, वो थोड़ा बाद में डालनी है। तो ये जी हमारे रंग के उस्ताद शानी, ये जी सामने आप देख रहे हैं ये पहले सैंपल लगाए हैं, अब इन सैंपल के पास किया गया और उसके मुताबिक जो है ना ये माप तैयार किया जा रहा है। ये तकरीबन 6 टोड़े थे पत्थर के पत्थर के, उसको डाल के तो उसके बाद जो है ना ये सारा कुछ डाल के इस मशीन के साथ जो है ना इसको मिक्स किया जा रहा है। ये जो हमारे रागवाल के ठेकेदार हैं नवीर भाई, ये इस तरह बाल्टी में डाल दिया गया है। ये थोड़ा ब्लैक कलर का जो है ना सॉरी ब्राउन का एक ये है, ये इसमें भी डालेंगे वो भी आपको बाद में खाएँगे इसका कलर चेंज करने के लिए। तो ये आस्था इसको इसमें डाल रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं और इसको जो है ना वो मिक्स किए जा रहे हैं। इसको जितना अच्छा मिक्स किया जाएगा उतना अच्छा ये बाद में जो है ना काम करेगा, इसको इस्तेमाल करना जो है ना वो आसान हो जाता है जितना अच्छा इसको ग्राइंड किया जाता है मिक्स किया जाता है। सर ये जो अभी जो बच्चा डालने लगा है ये आखिरी केमिकल है नेट्रासोल, ये मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेट्रासोल को डाल के तकरीबन जो है हमारे 4 जो केमिकल डाले जा चुके हैं इसमें, ये नेट्रासोल है 4 केमिकल डाले जा चुके हैं और 5वां जो है ना वो ये पत्थर है ब्रीक, बिल्कुल रेत की तरह अगर इससे थोड़ा मोटा होता है। तो ये जी इसको मिक्स किया जा रहा है, पूरा जो ड्रम है ना ये पूरे यानी जितना एरिया उसने कवर करना उस हिसाब से इसको मुकम्मल एक ड्रम ने तैयार कर लिया है। ये भी ठेकेदार पहले भी बताया मैंने, इनका नंबर जो है ये स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, अगर किसी ने काम करवाना हो तो वो इस नंबर पर रब्ता कर सकता है। ये भी इसका कलर जो है वो थोड़ा लाइट है, तो इंशाल्लाह अभी इसमें थोड़ा सा और डालेंगे। ये भी इसमें थोड़ा और डाला है ब्राउन, ये पत्थर का ही कलर है, ये कलर नहीं है, ये प्योर पत्थर है कलर के बगैर, सिर्फ इस पत्थर का कलर जो है ना वो ब्राउन है। तो ये इसमें डाल के भी इसको मिक्स किया जा रहा है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो सैंपल लगाया ना अब वो इसके मुताबिक तैयार हो जाएगा। इंशाल्लाह जी इसकी तैयारी के बाद जो है हम रागवाल की जो मुकम्मल वीडियो लेके आएंगे कि इसके फोटो पर कितना खर्चा आया क्या रेट वगैरह आया है। तो वीडियो के एंड पे जी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, अल्लाह हाफिज़।